So my starting point is this proposition that the very foundation of Indian Republic is under challenge, under threat, that it needs to be saved. हम इंडियंस वैसे मानते हैं कि वी आर द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड एटसेट्रा, लेकिन एक्चुअली ये बात सही है. हम कई अपने बारे में ना बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं. इंडियंस को आदत है अपने बारे में कुछ ऐसी डींग हाँकने का जिसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है. जैसे हम कहते हैं वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, व्हाट डज इट मीन? इट ओनली मीन्स दैट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी. दैट्स ऑल. बाकी इसका मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो कुछ मतलब होता उसका. वी आर द मोस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो मतलब होता. वी आर द मोस्ट ऑनेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो मतलब होता. लार्जेस्ट का मतलब क्या? हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ चीन की और वो डेमोक्रेसी नहीं. दैट्स ऑल इट मींस. सो ये जो वी आर द मोस्ट डाइवर्स कंट्री, दैट इज एक्चुअली यू सी डाइवर्सिटी is written into nature. Diverse na hona ek effort hota hai. Diverse hona ek swabhavik sthiti hai. Wo prakriti mein hai, insaano mein hai, samaj mein hai, languages mein hai, cultures mein hai, practices mein hai. Sab mein diversity is the most normal thing. So what is India's unique achievement about diversity? To diverse hona achievement. अचीवमेंट ये है कि उस डाइवर्सिटी को मॉडर्न नेशन स्टेट में बना के बचा के एक प्रिंसिपल की तरह रखना एक अचीवमेंट है. और वो क्यों? ये जो नेशन स्टेट का विचार है ये यूरोप से आया, हमारे यहां तो नहीं था. नेशन स्टेट की बाउंड्रीज होंगी, नेशन राष्ट्र राज्य जिसको आज हम राष्ट्र कहते हैं, ये विचार यूरोप से आया. आपको हैरानी होगी कि इतनी चीजों को हम भारतीय कई बार कहते हैं और ये मेरा भारत महान और ये सब चीजें इतनी स्ट्रेट यूरोप से ली हुई नकल है सारी चीजें. और जो अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कहता है सबसे ज्यादा यूरोपीय है. मैं दो मिनट में बताता हूँ, सब फैक्चुअल चीजें हैं, कोई मतलब इसमें कोई एलिगेशन या सब नहीं है. यूरोप में जब राष्ट्र राज्य बने 300-400 साल पहले, नेशन स्टेट यूरोप में बनने, यूरोप में भारत जैसा था. हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी में हर दो कोस पे पानी बदलता है और 20 कोस पे भाषा बदलती है, यूरोप में भी ऐसा था. शेड्स थे, जिसे आज हम इटालियन और जर्मन कहते हैं, ये दो अलग भाषाएं नहीं थी, शेड्स थे. जैसे मराठी से गुजराती की तरफ आप बढ़ते हैं, मराठी से हिंदी की तरफ आते हैं, ये शेड्स हैं. ये कोई शार्प, जिस आज हम कहते हैं मराठी खत्म हो गई, मगर आज यहाँ बैठ के तो हम कह सकते हैं ना कि ना मराठी है ना हिंदी है, इसके अलावा कुछ और है. लैंग्वेजेस के शेड्स होते हैं, यूरोप में भी ये शेड्स थे. लेकिन इन लोगों ने नेशन स्टेट बनाने शुरू किए. नेशन स्टेट बनाने शुरू किए तो वो आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में बिस्मार्क, मेजिनी और ये सब पढ़े होंगे. ये क्या कर रहे हैं? ये उस शेड्स में से शार्प कलर डिस्टिंक्शन कर रहे थे. जैसे होता है आपका कलर्स का आपको शेड मिलता है, आप रेड से शुरू हुए येलो की तरफ जाना शुरू हुए, किसी स्टेज पे आप जाके कहते हैं चलो इसको हम ऑरेंज कह देते हैं, यहां पे हम ऑरेंज की बाउंड्री खत्म कर देंगे और यहां से येलो शुरू हो जाएगा. दीज आर आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन, ऐसा कुछ नहीं, नेचर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऑरेंज है, रेड है, एटसेट्रा. हम कर रहे हैं डिस्टिंक्शन. This is exactly how nation states were created in Europe. Europe में ये जो फ्रांस को फ्रेंच बनाना, ऐसा नहीं था कि ये सब फ्रांस के लोग थे, सिर्फ फ्रेंच बोलते थे. इन्हें डंडे मार मार के फ्रेंच बनाया गया है. This is absolute history. बिल्कुल स्टेट के उससे डंडे लगा के उनको फ्रेंच सिखाया गया कि फ्रेंच ऐसे बोलनी चाहिए, ऐसे पेरिस के एक्सेंट में बोलनी चाहिए, वैसे नहीं बोल सकते. फला टाइम पे जैसे आज हम बैठे हैं 10 से 11 के सेशन में, एक जमाने में फ्रांस में क्लास लगती थी पूरे देश के हर स्कूल के अंदर फ्रेंच इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई जाएगी, इस एक्सेंट में बोलना सिखाया जाएगा. तो डंडे मार मार के लोगों को फ्रेंच बनाया. वहां पड़ोस में इसी तरह से डंडे मार मार के जर्मन बनाया जा रहा. सो द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज ए हिस्ट्री ऑफ रिड्यूसिंग देयर डाइवर्सिटी
into the boundaries of nation state. तो वो जो shades थे ना color के, color palette की जो shades होते हैं, shades को 5 या 10 boxes में divide कर दिया गया. So Europe की जो पूरी history है, वो history है कि उन्होंने अपनी diversity को कम किया और diversity को घटा के उन्होंने कुछ boundaries बनाए. So nation, so the history of Europe is a history of its embarrassment with diversity. अपनी डायवर्सिटी को छुपाने की और उस डायवर्सिटी को स्मूदन करने की. तो अगर आप और मैं अलग हैं तो क्या करेंगे, घर में कहते हैं ना भी अपना चौका अलग अलग कर लो. अगर तो यूरोप का कॉन्सेप्ट क्या था नेशन स्टेट का, नेशन स्टेट में वन नेशन वन कल्चर वन लैंग्वेज वन रेस. अगर एक से ज्यादा रेस है तो भाई या तो मैं तुम्हें भगाऊंगा या तुम मुझे भगाओगे, एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते. अलग लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज ऑफिशियल है, तुम्हारी लैंग्वेज बेकार है, या तो तुम पड़ोस वाले घर में चले जाओ नहीं तो तुम मेरी लैंग्वेज सीख लो. पर लैंग्वेज एक ही चलेगी, एक देश एक भाषा, एक देश एक संस्कृति एक भाषा एक भूषा एक नस्ल एक धर्म. धर्म अब रिलीजन वाली सेंस, ये बिल्कुल शुद्ध यूरोपियन विचार है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं. भारत में एग्जैक्टली इसका दूसरा विचार था. इसलिए जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने भारत को क्या कहना शुरू किया, अरे तुम लोग एक नेशन कैसे हो सकते हो, कहां तमिल कहां बंगाली और कहां ये पंजाबी, तुम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, तुम कहते हो तुम हिंदू हो, तुम्हारे तो व्यवहार तुम्हारे त्योहार अलग हैं, तुम्हारा व्यवहार अलग है, तुम्हारे देवी देवता अलग हैं, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, तुम एक देश कैसे बन सकते हो. सो बेसिकली यूरोपियन कॉलोनियलिज्म चैलेंज्ड आवर सेंस ऑफ नेशन. दे सेड यू कैन नॉट बी अ नेशन. इसके दो जवाब हो सकते थे. एक जवाब थोड़ा घबराया हुआ जवाब हो सकता था, एक जवाब कॉन्फिडेंट जवाब हो सकता था. घबराया हुआ जवाब क्या था कि हाँ नहीं है लेकिन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है प्रॉब्लम है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन हम इस डाइवर्सिटी को ठीक कर लेंगे. जैसे आपने ठीक किया, आपने फ्रांस में जर्मनी में अपनी डाइवर्सिटी को ठीक कर लिया था, वैसे हम भी करेंगे, हमें टाइम दो. वैसे भी हमारे यहाँ देखिए हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ही, हिंदू हैं हम ज्यादातर, और हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये फॉर्मूला जो आता है ये घबराए हुए भारतीय का फॉर्मूला है, जो यूरोप से इतना घबरा गया है. यूरोप आया, क्रिश्चियनिटी आई, कॉलोनियलिज्म आया, हिंदुस्तानी घबरा गए क्या करें. और घबरा के आपका पहला रिएक्शन जो होता है, आप अपने ओपोनेंट को इमिटेट करना शुरू करते हैं, आप उसी की भाषा में बोलना शुरू करते हैं. और भारत में बहुत लोग यूरोप की नकल करना शुरू करते हैं, और यूरोप की नकल करने का पहला फॉर्म ये था कि अच्छा उन्होंने पूछा तुम्हारा कैसा धर्म है, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता, तुम्हारा क्राइस्ट कौन है बताओ, सो और तुम्हारी बाइबल कहां है दिखाओ. तो फिर हमने कहना शुरू किया हमारे वेद, हमारे पास वेद है, हमारे शंकराचार्य है. ये सब क्या है कि एसेंशियली हिंदू धर्म को क्रिश्चियन मोल्ड में डालने की कोशिश है ना, ये घबराए हुए रिएक्शन है. वी ट्राई टू इमिटेट द अदर्स, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग सो मच ऑफ द टाइम. तो भारत का पहला रिएक्शन ये था कि हम भी नेशन आप जैसे बन जाएंगे. कैसे बनेंगे, हिंदी लैंग्वेज हो नेशनल लैंग्वेज, हिंदू रिलीजन है हमारे पास, और हम इसमें बाकी सबको ढालेंगे. और ये बाकी जो है सब एलियन इन्फ्लुएंसेस हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम सब एलियन है, इसको हम ठीक ठाक कर लेंगे. जैसे आपने अपने यहाँ ठीक ठाक किया ना, उन्होंने कैसे ठीक ठाक किया था, मार मार के डंडा मार के बंदूक से गोली से उन्होंने सबको निकाला था, डाइवर्सिटी को खत्म किया था. सो हमारे यहाँ मिडिल 19th सेंचुरी में प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसमें ये है कि हम अपनी डाइवर्सिटी को कम करें, डाइवर्सिटी इज एन एम्बैरेसमेंट, कम करें इसे किसी तरह से.
राष्ट्रीय एकता, और एकता कैसे होगी, जब डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तब एकता बनेगी। ये जैसे मैंने कहा शुरू का घबराहट का रिएक्शन है, ये लोग अपने आप को राष्ट्रीय कहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं वो राष्ट्रीय से ज्यादा यूरोपियन है, सारी जर्मनी की नकल है ये सब। और इन्हें इनमें बड़े लोगों किताब किताब भी आप पढ़ लीजिए, सब किताब में कहते हैं हमें जर्मनी जैसा होना है, जर्मनी में तो ऐसा होता है, हमें वैसा बनना है, सब लिखते हैं कई बार, क्योंकि घबराए हुए हैं जर्मनी इतना, मतलब यूरोप से घबराए हुए लोग हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है जो कॉन्फिडेंट रिएक्शन है, वो मैं देखता हूं टैगोर में और गांधी में। टैगोर कहते हैं, टैगोर मतलब यू नो व्हाट आई रियली एडमायर अबाउट टैगोर इज कि टैगोर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया से सीख रहे हैं, एंड नॉट फॉर ए मोमेंट डज ही फील दैट आई कम फ्रॉम ए स्मॉलर सिविलाइजेशन। ही सो सुप्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहली निशानी होती है कि आप दूसरे से कह सकते हैं कि मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं। इट्स ओनली कॉन्फिडेंट पर्सन दैट कैन लर्न फ्रॉम समवन एल्स। जो घबराया हुआ है वो दूसरे को कहता है नहीं मैं अच्छा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, हमारे पास क्या है नहीं है, इसका मतलब मैं बहुत घबराया हुआ हूं। It takes enormous cultural confidence to be able to say, I need to learn from you. Or Tagore कहते हैं, we need to learn more from Japan and China than from Europe. वो आराम से देख रहे हैं, बिल्कुल सप्ताह को साइड में करके आराम से देखते हैं, इससे ये सीखना है, उससे ये सीखना। And महात्मा गांधी, गांधी जी से जब पूछा गया, आपको बहुत famous quote है, you know, what do you think of Western civilization? And he says, that would be a good idea. मतलब क्या कि जब सिविलाइज होंगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है, जैसे मैं अमेरिका के बारे में कह रहा था। तो गांधी जी कहते हैं मतलब यू नो इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन का आतंक है, और उसके सामने गांधी जी से जब क्या होता है आपके सामने हेडलाइंस है, हेडलाइट आने पे पहला हमारा क्या रिएक्शन होता है, आंख बंद हो जाती है, इतनी हेडलाइंस है उसका शुरू। उस हेडलाइट के सामने आप अपनी आंख खुली रख सके, और हेडलाइट के पीछे जो ड्राइवर बैठा है उसकी तरफ देख के कहें लेकिन इसे तो गाड़ी चलानी नहीं आती है ना। गांधी में ये हिम्मत है, वो उस हेडलाइट में अपनी आंख खोल के रख रहे हैं और कह रहे हैं ये ड्राइवर कौन है, बच्चा सा, इसके पास लाइसेंस है क्या, इसे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, सारी दुनिया का लाइसेंस इसको कैसे दे रहे हैं हम, मुझे अपनी चिंता नहीं है कि मेरे को मार देगा, मुझे इस बेचारे की चिंता है, इसे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसकी गाड़ी को बचाओ, और इसकी गाड़ी में जो पांच इसके देश के लोग बैठे हैं वो भी इनको भी लेके डूबेगा। गांधी में ये हिम्मत है। These are supremely confident reactions। तो हमारा नेशनलिज्म एक कदम ऊपर बढ़ता है और कहता है हमें यूरोप जैसा होने की कोई जरूरत नहीं, और उनसे पूछता है कि यूरोप वाले पूछते हैं कि तुम्हारी एक भाषा क्या है, टैगोर और गांधी कहते हैं हमें एक भाषा की जरूरत क्या है, किसने कहा कि जरूरत है हमें इसकी, हमारा राष्ट्रगान क्या कहता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगला। दुनिया का अगर यूरोप का कोई देश होता वो इस बात को छुपाते, पंजाब सिंध गुजरात मराठा बाबा इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों सारी दुनिया के सामने ला रहे हो, हमारा राष्ट्रगान कहता है हम इसको फोरग्राउंड करते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सो हम अपनी इन चीजों को छुपाना बंद करते, हम कहते हैं हमें तुम जैसा होने की क्या जरूरत है, तुमने बीमारी पा ली है मैं तुम्हारी बीमारी को क्यों लूं, तुम्हारी अच्छाई कुछ है मैं जरूर ले लूंगा लेकिन तुम्हारी बीमारियां पालना मेरा काम नहीं, अपनी बीमारी अपने घर रखो। ये दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ मैच्योर इंडियन नेशनलिज्म। तो वो मैच्योर इंडियन नेशनलिज्म कहता है कि हमारा राष्ट्रवाद भिन्न है, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, और हमारी यूनिटी का मतलब ये नहीं कि हम डाइवर्सिटी को खत्म करेंगे, नो, हम अपनी डाइवर्सिटी को सामने लाएंगे। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि तुम तमिल हो या भारतीय हो, दैट्स अ क्वेश्चन आई विल नेवर आस्क। यूरोप में पूछा जाता था कि तुम जर्मन हो या कि तुम फ्रेंच बोलते हो, साफ साफ बताओ जर्मन हो कि फ्रेंच हो। हमने इंडिया में डिसाइड किया कि हमें सवाल कभी नहीं पूछेंगे तुम इंडियन हो या मराठी हो, तुम इंडियन हो या तमिल हो, भाई तुम तमिल हो तभी तो तुम इंडियन हो। और जैसे समझदार भारत में पूछा जाता है, हमारे कहते हैं कि बहु घर में आए उससे कभी नहीं पूछते कि तुम अपने माँ बाप के प्रति वफादार हो या इस घर के प्रति वफादार।
माँ बाप के प्रति माँ बाप से प्यार करती हो तभी तो तुम इस घर को प्यार करोगी. That is Indian approach. तो second हमारा principle है diversity. Diversity का मतलब हमारा राष्ट्र जो है diversity को समाप्त करके नहीं बनेगा, हमारा राष्ट्र diversity का सम्मान करके बनेगा.